आज ज्यादातर लोगों के दिन की शुरुआत एक गर्म चाय की प्याली से होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोजाना जिस चाय की प्याली से आप अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं वो आपकी सेहत को कितना नुकसान पहुंचाती है। लेकिन जनाब, अब आप कहेंगे ये आदत आप बदल नहीं सकते और बिना चाय के तो आप बेड से भी नहीं उठ पाते। तो चलिए आज हम ही आपको बता देते हैं इसका भी हल, ताकि आपके दिन की शुरुआत एक हेल्दी चाय के साथ हो सके, वो भी बिना चाय को छोड़े। बस अब आपको इतना करना है कि अपनी इस नॉर्मल चाय को रिप्लेस करना है ग्रीन टी के साथ। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रीन टी के फायदों के बारे में, जिसे पीकर आप अपनी बॉडी को बेहतर बना सकते हैं। ग्रीन टी में एपीगैलो कैटेचिन गैलेट पाया जाता है, जिसे EGCG भी कहा जाता है। EGCG एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कैंसर कोशिकाओं को ना सिर्फ बढ़ने से रोकता है बल्कि हेल्दी टिश्यूज़ को नुकसान पहुंचाए बिना उन्हें ख़त्म भी कर देता है। इसके साथ ही ग्रीन टी कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने और ब्लड क्लॉट को ख़त्म करने में भी सक्षम है। भारतीय चिकित्सा में भी इसके कई फायदे बताए गए हैं। इसके इस्तेमाल से ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है और किसी भी घाव को ठीक करने, डाइजेशन को बेहतर बनाने, टेंशन को भगाने और शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए इसकी एक अहम भूमिका बताई गई है। इसके अलावा एक स्विस स्टडी से पता चला है, जो लोग हर रोज़ ग्रीन टी पीते हैं उनका दिमाग नॉर्मल लोगों के दिमाग के मुकाबले ज़्यादा अच्छे से काम करता है। और अगर आपका वजन भी बढ़ा हुआ है, जो कि आम लोगों में पाया ही गया है, और आप उसे कम करना चाहते हैं, तो ग्रीन टी इसमें काफ़ी आपकी मदद कर सकती है। एक और अगर स्टडी की बात करें तो उसके मुताबिक ग्रीन टी से बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है और ग्रीन टी में विटामिन बी पाया जाता है, जो बालों में स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम्स को कम करता है। ग्रीन टी के जरिए आप अपने ब्लड शुगर को भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पॉलीफेनोल्स होता है जिससे हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है। ग्रीन टी में जो एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है वो आपकी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, जिससे आपकी स्किन ग्लोइंग और चमकदार बनती है। पर जैसे कि आप जानते हैं, हर चीज़ की एक लिमिट होती है और लिमिट से ज़्यादा यूज़ करने पर उसके नुकसान भी होते हैं। तो चलिए हम आपको बता देते हैं, अगर आप ग्रीन टी पीना स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि खाली पेट आप ग्रीन टी ना पिएं। खाने से एक घंटे पहले या फिर खाने के एक घंटे बाद ही ग्रीन टी को पिएं। ग्रीन टी को दिन में सिर्फ 2 से 3 बार ही पिएं और ग्रीन टी में शुगर या फिर दूध का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।